हाय, इट्स स्वाद एंड फ्लेवर। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि मैं जन्माष्टमी का ब्लॉग आपके साथ शेयर करूंगी, तो सबसे पहले तैयारी। कान्हा जी को मैं अपने बेटे की तरह मानती हूं, इसलिए उनके जन्म उत्सव पर धूमधाम तो रहेगी ही। उनके पसंद के कपड़े, खाना, डेकोरेशन, सब कुछ होगा। मैं जितना कर सकती हूँ अपनी क्षमता के अनुसार करती हूँ। हो सकता है कि वो परिपूर्ण ना हो, क्योंकि प्रभु के मामले में तो परिपूर्णता कहीं होती ही नहीं है। फिर भी जितना कुछ मैं कर सकती थी मैंने किया है। जन्माष्टमी का सेट मैंने इस बार हरा रखा है। ये देखिए महाराजा ड्रेस, जिसे मैंने राधे क्रिएशन से मंगवाया है और ये बहुत ही खूबसूरत है। और साथ में एक खूबसूरत सी पगड़ी, और इसी से मिलता जुलता मैंने राधे रानी का सेट भी मंगवाया है। और स्टैंडिंग राधा कृष्ण के लिए भी ये लहंगा, जो मेरे स्टैंडिंग राधा रानी पहनेंगी, और साथ में ये धोती जो मेरे कृष्ण कन्हैया पहनेंगे, और ये उनकी पगड़ी। उसके बाद एक दूसरा सेट मैंने ये लिया है। वैसे वृंदावन से ये सेट मेरी जेठानी ने मुझे दिया था, तो मैंने इसमें दोनों लड्डू गोपाल के लिए और लेकर इसका सेट बना लिया। और ये है तीसरा सेट। मुझे पैरेट ग्रीन कलर बहुत पसंद है, और जब इसमें मुझे ये लड्डू गोपाल का ड्रेस मिला तो मुझसे रहा नहीं गया और मैंने इसे ले लिया, जो बहुत ही ब्यूटीफुल है और देखने से बिल्कुल अलग दिख रहा है मेरे तीनों कन्हैया के लिए। मेरे पास एक्चुअली तीन कृष्ण कन्हैया हैं, एक 0 नंबर के, एक 3 नंबर के और एक 6 नंबर के। तो मैंने कोशिश की है कि सबका सेट लगा लिया जाए। हालांकि यह जन्माष्टमी में नहीं हो पाया। एक्चुअली मैंने राधे क्रिएशन से ऑर्डर तो किया था, परंतु वो ऑर्डर किसी वक्त पहुंच नहीं पाया और गलत एड्रेस पे चला गया, इसलिए मुझे इनका मैचिंग करना पड़ा। शायद तीनों कन्हैया को एक जैसा पहनने का मन ही नहीं था, इसलिए मैंने 0 साइज़ के लिए ये लिया है और 3 नंबर के कान्हा के लिए ये ब्यूटीफुल ड्रेस लिया है, जिसकी खूबसूरती देखते ही बनती है और जो बिल्कुल अलग है सारे ड्रेस से, बिल्कुल हटके। ये देखिए कितना खूबसूरत है, मोतियों का बेमिसाल काम है। शायद इस बार तीनों कान्हा अलग अलग दिखना चाहते थे। वैसे भी उन तीनों को अपना अलग अलग रूप ही दिखाना था। और फिर ये पगड़ी मेरे 3 नंबर के कान्हा के लिए, और ये पगड़ी मेरे 6 नंबर के कान्हा के लिए। और उसके बाद मैंने 6ठी में पहनाने के लिए एक ड्रेस लिया है, जिसकी खूबसूरती मैं बोल ही नहीं सकती। बस आप देखिए, आपको समझ में आएगी कितना बारीक और कितना खूबसूरत काम किया हुआ है। बहुत ही खूबसूरत लग रहा है, बिल्कुल अलग और हटके है ये। ये देखिए, बिल्कुल हटके है ये, बिल्कुल अलग दिख रहा है। इसकी खूबसूरती देखने ही बन रही है। और देखिए 6 नंबर के कान्हा की ड्रेस कितनी खूबसूरत लग रही है। जो आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये बिल्कुल अलग है, हटके है। और ये मेरे कान्हा जी की ज्वेलरी, जितने तरह की ज्वेलरी मैं ले सकती थी मैंने सब लिया है। ये देखिए माला, ये देखिए, ये देखिए, और ये उनका मुकुट है जो बिल्कुल हटके लग रहा है। इसे मैं उन्हें 6ठी में पहनाऊँगी। और उनके हाथ के सारे चीज़, ये सारी ज्वेलरी मैंने कान्हा जी के लिए ली है। हालांकि मेरे पास और भी ज्वेलरियाँ हैं, पर मैंने जन्माष्टमी में कुछ स्पेशल तैयारी की है। तो ये रहा मेरा पहला ब्लॉग। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे सपोर्ट कीजिए। थैंक यू।